बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो इस लेक्चर के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्लांटिंग, यानी जो एमडीकेट बायोलॉजी है, ठीक है। उस एमडीकेट बायोलॉजी का आप कह सकते हैं चैप्टर 3 का वैरायटी ऑफ लाइफ में ये हम लोगों ने कवर किया हुआ है। फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटिंग को हमने करना है, ठीक है। ये हमारा कवर है और ये हमारा कवर है। तो प्लांटिंग के अंदर जो है वो हमने क्या चीजें कवर करनी है, दिस लेक्चर विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर एंड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन क्यूरीज होंगे वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे इसी के अंदर ही। और कोशिश करनी है कि आप लोगों ने यही चीजें करनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी है। होपफुली मैक्सिमम चांसेस यही है इंशाल्लाह कि इन्हीं में से ही जो है वो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एंटी टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लांटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडिया हम लेते हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि जी व्हाट आर द जनरल करैक्टर्स या मेजर आप कह सकते हैं जो फीचर्स हैं प्लांट्स के वो हमारे पास कौन से हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ फीचर्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ जो कि प्लांट्स को आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पता है कि ऑल प्लांट्स मस्ट बी ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। दे डू फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि ये क्या करते हैं फूड जो है वो सिंथेसिस करते हैं। सेकेंडली ऑल आर यूकैरियोटिक, ठीक, यानी यूकैरियोट्स होंगे, ये याद रखना है, यानी ट्यूब न्यूक्लियस होगा। इसके बाद मल्टी सेलुलर होंगे, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह सिसाइल होते हैं, ये प्लांट्स का एक फीचर है, ठीक। इसी तरह हमारे पास आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताएं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर दो जनरेशन एग्जिस्ट करती हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है ये स्पोर फॉर्मिंग होती है, जो गैमेटोफाइट है ये गैमेट फॉर्मिंग, ठीक हो गया। तो गैमेट फॉर्मिंग। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट जो है, ठीक है, यानी जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगी, ठीक है, याद रखना है जो ओवरऑल हमारे पास होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी जिसमें वो अपना लाइफ स्पैन गुजार रहा होता है, ठीक है, वो डिप्लॉयड होती है। और जो गैमेटोफाइट होगी, गैमेटोफाइट, इट विल बी हैप्लॉइड, ठीक है। यानी गैमेटोफाइट ने गैमेट्स बनाने, तो गैमेट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होते हैं सिंपली आप कह सकते हैं जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। इसी तरह हमारे पास जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, एक और मेजर पॉइंट आ जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन जो है ये हमारे पास रिजल्ट होता है आप कह सकते हैं प्लांट्स का। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे पास कि जो प्लांट्स हैं, साइंटिस्ट जो है वो ट्राई करते हैं कि प्लांट्स हमारे पास, याद रखिए, एक तो बहुत ज्यादा हाईली डाइवर्स स्पीशीज है, समझ आ रही है, हाईली डाइवर्स स्पीशीज हैं, ठीक है, जिनके अंदर, अच्छा, इनमें एक और मेजर पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ, सेलुलोज की प्रेजेंस का होना भी बहुत जरूरी, सेलुलोज इन सेल वॉल, ये एग्जिस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो इस तरह से और भी बहुत सारे फीचर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हम जनरल जो है वो फीचर्स की जो वो बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है अबाउट याद रख लेना 3,60,000
जो है वो स्पीशीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी जो एक फिगर है, इतनी टाइप्स प्लांट्स की, इतनी कैटेगरी हाई क्वालिटी की जो हमारे पास आपके से हायर प्लांट्स हैं, तो ये सारे के सारे प्लांट्स हैं वो किस तरह से इनको रखा गया है, कैसे इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्केच बनाएंगे जिसके अंदर ये सारे के सारे प्लांट्स जो है वो इसी उसी स्केच के अंदर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर मूव करते हैं तो हम उसको जो है वो देखते हैं, ठीक। ये सारे एक्चुअल में बेसिक एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं हमारे पास, सही हो गया। अच्छा, आगे मूव करते हैं कि ये जो हायर क्वांटिटी के अंदर जो है हमारे पास, ये एक्चुअल में मैंने जो शो किया हुआ है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन की। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड होता है जिसके अंदर आप कह लें हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, यानी स्पर्म और एग। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में माइटोसिस होती है और एक प्लांट बॉडी आपको जो है वो आप कह सकते हैं नजर आ रही होती है। याद रखना है कि वो जो प्लांट बॉडी होती है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है। अगर आपसे को पूछे कि इफ दैट प्लांट, ठीक है, इज स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, यू मस्ट हैव टू से दैट इज स्पोरोफिट। आपको पूछे कि जी द ट्री है ये हैप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड होते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, डिप्लॉइड होंगे। इनमें मियोसिस होगी, ठीक है, इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर मियोसिस होगी जिसके रिजल्ट में हमारे पास फिर स्पोर्स बनते हैं और फिर उन स्पोर्स से जो है वो क्या होता है गैमेटोफिट। तो अब ये गैमेट्स, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था लाइक एनिमल्स की बात करते हैं या अदर जो हायर स्पीशीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो वी स्टडी दैट दे हैव स्पर्म, ठीक है, यानी गैमेट्स बनते हैं। ह्यूमन की अंदर स्पोर्स बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर स्पर्म बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। स्पर्म्स एंड गैमेट्स फॉर्मेशन क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फंजाई की, फंजाई के अंदर जो है वो स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। अब वो जो स्पोर फॉर्मेशन है वो स्पोरोफिटिक है, फंजाई के अंदर गैमेट्स नहीं बनते, ह्यूमन के अंदर स्पोर्स नहीं बनते, ये एक अलग अलग जनरेशन है। स्पोरोफिटिक अलग होगी गैमेट, बट प्लांट्स के अंदर गैमेट्स भी बनते हैं और स्पोर्स भी बनते हैं। तो इसलिए, और अच्छा एक और कि इसमें फिर क्या होता है कि वो जो दोनों जनरेशन होती है ना गैमेट्स और, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है, तो इसे हम कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक, यानी एक दूसरे में क्या हो रही है, ऑल्टर हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इस ये वाला जो स्केच है, आप लोगों ने इसको केयरफुली जो है वो ड्रॉ कर लेना है अपने पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं जो है वो स्केच है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या चीजें हैं, किस तरह से आती हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। पहले हम स्केच को स्टडी करते हैं, स्केच के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे, ठीक। ओके, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं, कलर, हमारे पास जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को बेसिकली हम दो पार्ट्स में इनिशियली डिवाइड करते हैं, ठीक। एक हमारे पास जिसको हम कहते हैं सिंपली, जो उसकी स्ट्रक्चर या बॉडी होती है, ठीक है, हम कहेंगे अन डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ठीक। और दूसरे हमारे पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ठीक। अनडिफरेंशिएटेड जो प्लांट बॉडी है इनके अंदर हम नोट करते हैं थैलोफाइटा, ये एग्जांपल आपने याद रखनी है थैलोफाइटा, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपने याद नहीं रखना, बस ये सिंपल याद रख लें कि हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक हो गया, आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ प्लांट है, ठीक हो गया, जो के सिंपल, आप कह सकते हैं प्लांट बॉडी शो करते हैं, ठीक है, सिंपल बॉडी आप कह लो सिंपल, ठीक। अच्छा अब डिफरेंशिएटेड की बात करते हैं, डिफरेंशिएटेड के अंदर हमारे पास जो है वो दो कैटेगरीज हैं फर्दर,
ठीक है, एक हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, लेट मी ड्रॉ, एक हमारे पास है जिन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स, या इसको कहा जाता है नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। ठीक, दूसरी तरफ हमारे पास जो आ जाते हैं आप कह लो के वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक, दूसरे हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं ट्रिकियोफाइट्स, ये क्या होंगे, वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके, इनको फर्दर थ्री आप कह सकते हैं क्लासेस के अंदर जो डिवाइड की जाते हैं, तीन क्लासेस हैं इसकी। ठीक, एक हमारे पास है जिन्हें हम कहते हैं लिवरवर्ट्स, दूसरी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं हॉर्नवर्ट्स, थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है जिसे हम कहेंगे मॉसेस। इनका अदर नेम भी आपने याद रखना है, वो हमारे पास क्या है जी, लेट मी पुट हियर, लिवरवर्ट्स को हम एक और नाम भी देते हैं एंड दैट इज हेपाटेसिए। ठीक, यही जो हॉर्नवर्ट्स हैं इसको हम कहेंगे एंथोसिरोटिन। इसी तरह जो मोसिस हैं इनको हम सिंपल म्यूसाइडी कह देते हैं। अच्छा, इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो ट्रिकियोफाइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास ट्रिकियोफाइट्स हैं, ट्रिकियोफाइट्स को फर्दर जो है वो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये डिविजन्स आपने याद रखनी है, ट्रिकियोफाइट्स को फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हमारे पास दो ग्रुप्स के अंदर। पहला ग्रुप हमारे पास सीडलेस प्लांट्स और दूसरा हमारे पास सीडेड प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होंगे, ठीक है, और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स मौजूद होंगे। तो अब सीडेड, अब वो प्लांट क्या होगा जिसके अंदर सीड, याद रखना उनमें स्पोर्स जो है वो मौजूद होंगे। ठीक, तो अब वो जो सीडलेस हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, इनकी भी हमारे पास फर्दर फोर आप कह सकते हैं क्लासेस हैं। सबसे पहली हमारे पास आ जाती है जिसे हम कहेंगे साइलोपसीडा। ठीक, इसको हम विस्क फर्न्स भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है लाइकोपसीडा, इसको हम क्लब मोसिस भी कहते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है स्फीनोप्सिडा, इसको हम सिंपली हॉर्स टेल्स, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर जो है वो इसी जैसे होते हैं। और फोर्थ वन हमारे पास है टेरोप्सिडा, इसमें पी साइलेंट आ जाएगा, रहेगा टेरोप्सिडा, और इसमें हमारे पास फर्न्स जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, ये तो होगी कैटेगरी इनकी। इसके बाद जो सीडेड प्लांट्स हैं, सीडेड प्लांट्स को हम फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज के अंदर। एक हमारे पास क्या होते हैं, कवर्ड सीडेड प्लांट्स, और दूसरे नेकेड सीडेड प्लांट्स। जो कवर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, और जो नेकेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म है इनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, और वो क्या है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। सो दिस इज एक्चुअली अ कॉम्प्रिहेंसिव स्केच इन विच ऑल प्लांट्स जो हमने पीछे पढ़े हैं कि 360,000 तक जो प्लांट्स हमारे पास हैं,
मैक्सिमम मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो इन्हीं इन्हीं के अंदर जो है वो आ जाती है, और आपका सिलेबस के अंदर जो है वो इसी स्केच को आपने जो है वो प्रॉपरली याद रखना है। तो अब इस स्केच से आपको नंबर ऑफ एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं जी, जो फर्न्स हैं या टेरोप्सिडा है, ये सीडलेस है या सीडेड है, स्पोर फॉर्मिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को ये भी याद रहे हमारे पास के जो सीडलेस है ये स्पोर फॉर्मिंग है। ठीक हो गया। आपसे पूछ सकते हैं जी जो क्लब मोसिस है ये किसकी, इसका अदर नेम क्या है, लाइकोप्सिडा। विस्क फॉर्म का अदर नेम क्या है, साइलोप्सिडा। विस्क फॉर्म सीड बनाते हैं या स्पोर्स बनाते हैं, तो आपने याद रखना है स्पोर बनाते हैं। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि जी हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, ये सीडेड है नॉन सीडेड है, पता होना चाहिए सीडेड है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि ये ट्रेकियोफाइट्स में आते हैं या ब्रायोफाइट्स में आते हैं, तो याद रखना है ट्रेकियोफाइट्स में आते हैं। डिफरेंशिएटेड है अनडिफरेंशिएटेड है, उसका आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएटेड। इसी तरह जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं इनमें भी पूछा जा सकता है कि लिवर वर्ट्स, आपसे पूछा लिवर वर्ट्स बिलोंग्स टू ब्रायोफाइट्स, ट्रेकियोफाइट्स, सीडेड, नॉन सीडेड, पता होना चाहिए। हॉर्नवर्ट्स, इसी तरह मोसेस है। तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है वो इस, आप कह सकते हैं डायग्राम से, स्ट्रक्चर से जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये स्केच जो है ये आप लोगों ने अच्छे से प्रॉपरली जो है वो याद रखना है, ठीक है, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ जाता है तो आप उस एमसीक्यू को सॉल्व करने के जो है वो क्या हो, हेलो, ठीक है। अच्छा, वापस चलते हैं, तो हमने ये बात की। अच्छा, इसके बाद अब मैं आगे कुछ स्केचेस और जो है वो करूंगा, ठीक है, और वो स्केचेस जो है वो आप लोगों ने एक एक आइडिया देने के लिए प्लांट्स के हवाले से फर्दर, ताकि आपको एक चीज जो है वो क्लियर हो जाए कि हमारे पास प्लांट्स जो है वो फर्दर किस तरह से मौजूद है। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, प्लांट किंगडम वही स्केच है मगर उसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से विद एग्जाम्पल बताया गया है। प्लांट्स किंगडम, प्लांट किंगडम, स्पोर बीरिंग, सीड बीरिंग, स्पोर बीरिंग में एलजी, एलजी को कुछ हद तक वैसे तो ये हमारे पास उसमें आता है ना प्रोटोक्टिस्टा के अंदर, प्रोटोक्टिस्टा के अंदर, ठीक है ना। तो इसी तरह मोसिस, लिवरवर्ट्स हमने अभी पढ़ा, फर्न्स की बात की। अच्छा, इसी तरह जो सीड है वो फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म जो हमने कहा, या कॉनिफर्स, या अब ये कॉनिफर्स कुछ नई टर्म्स आ रही है उसी के अंदर, ये आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जाए तो आपने कवर करना है उसको। इसी तरह एंजियोस्पर्म्स है वो हमारे पास मोनोकोटिलेडन्स होते हैं और डाइकॉट्स होते हैं। आगे देखिएगा, अब ये हमारे पास बुक की ही डायग्राम है, ठीक है, जो चैप्टर आपका दिया हुआ है चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का प्लांटी का, ठीक है, उसमें अगर आप लोग मूव करें तो पेज आई थिंक 150 कुछ पेज जो है ये वाली डायग्राम जो है बनी हुई है, ठीक है। तो आपने अब इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में, यहाँ देखेंगे तो ये आपको डाइकॉट नजर आ रहा है, ये हमारे पास मोनोकॉट है, टू कॉटिलेडन होते हैं, ठीक है, और इसमें एक कॉटिलेडन होता है। नंबर ऑफ पेटल्स पर आर सेपल्स, 4 or 5 पेटल्स आर मल्टीपल ऑफ 4 or 5, किसमें है, डाइकॉट्स के अंदर। मोनोकॉट में 3 पेटल्स, 3 सेपल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरह लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन द स्टेम, यहाँ ये देखिएगा इसमें एक बड़ा प्लैंड बंडल जो है वो रिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है डाइकॉट्स का। और जबकि अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स की, तो मोनोकॉट्स के अंदर जो बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, ये एमसीक्यू को पूछा जा सकता है, बंडल स्कैटर्ड इन मोनोकॉट डाइकॉट, बंडल जो है वो इन अ रिंग, इसमें होंगे डाइकॉट या मोनोकॉट, ये क्लियर होना चाहिए। लीव्स, आपको डायग्राम दे सकते हैं, आपको डायग्राम दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कि ये किसका है, डाइकॉट का है, मोनोकॉट का है, ठीक। अच्छा, इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं लीव्स के हवाले से, पैटर्न ऑफ द लीव्स, आप देखो इसमें सिंपल क्या है, पैरेलल वेन्स है, पैरेलल वेन किसमें होंगी, मोनोकॉट्स के अंदर होंगी। तो पैटर्न ऑफ वेन इन लीव्स, यहाँ पे क्या है, नेट वेन्स होती है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वुड, यहाँ पे हर्बिशियस, वुडी, और यहाँ पे यानी इसमें दोनों हो सकती है, हर्बिशियस भी हो सकती है और वुडी भी हो सकती है, किसमें, डाइकॉट्स में, मोनोकॉट के अंदर जो है वो ओनली हर्बिशियस होंगे। उसके बाद सिमेट्री ऑफ नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, इसमें रेगुलर है तो इरेगुलर है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, रेगुलर इरेगुलर होगा। इंडिविजुअल आर यूनाइटेड, आप कह सकते हैं पेटल्स, सेपरेट पेटल्स होती हैं, सेपरेट पेटल्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि गैमोपेटोलस, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, एक इकट्ठा फ्यूज हुआ हुआ। अच्छा, मोनोकॉट्स के अंदर सेपरेट पेटल्स होती हैं और गैमोपेटोलस होती है।
इसी तरह रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मेल एंड फीमेल फ्लावरिंग फ्लावर पार्ट्स, सुपीरियर ओवरी इंफीरियर ओवरी, इसमें भी सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी, ठीक है। ये अब आपने स्केच जो याद रखना है, डायग्रामेटिकली भी डायग्राम दे के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज आपको स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से पूछी जा सकती है बना के, ये बताएं इस तरह से ये मौजूद है या नहीं है, ठीक। नेक्स्ट स्केच देखेंगे प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज है ये आपका सेकेंड ईयर का जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसका थोड़ा सा लिंक मैंने किया है ताकि आप लोगों को टिश्यूज के हवाले से अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये भी क्लियर हो जाए। यानी प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इसमें एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंट्राकल्वी, अगर आपको याद हो हमने उसमें देखा था जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट थी ना तो उसके अंदर हमने इसको जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था। अच्छा, परमानेंट टिश्यूज में दो कैटेगरीज हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो है ये पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये स्पोर्टिंग सेल्स हैं। कॉलेन्काइमा के बारे में याद रखना है कि ये हमारे पास जो सीडलिंग्स होते हैं, यानी जो नन्हे मुन्ने प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसके अंदर जो होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा ये हमारे पास जो है वो स्क्लेराइड और फाइबर्स हैं। ये हमने पढ़ा था ये डेड सेल्स की सराउंडिंग में होते हैं, डेड सेल्स हैं, ठीक है, और सीड कोर्स वगैरह के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसमें दो आ जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपको पता है ट्रेकियर, जाइलम वेसल्स, ठीक है, ट्रेकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है जाइलम फाइबर से जो मिलकर बना हुआ, रिपीट हुआ यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह यहाँ देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम हमने पढ़ा है सीड ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स पे होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आपने स्केच जो है याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ब्रायोफाइट्स आ रहे हैं। ब्रायोफाइट्स याद रखना है सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं, ठीक है, और इनके अंदर भी गैमेटोफिटिक और जो आप कह सकते हैं कि स्पोरोफिटिक जो है हमारे पास क्या होती है, जनरेशन जो है मौजूद होती है, ठीक है। और इसके अगर हम डायग्राम देखेंगे ना तो ये बहुत स्मॉल इन साइज होती हैं, ठीक है, और ये कंसीडर किया जाता है कि ये ग्रीन एल्जी से जो है वो क्या है, इवॉल्व हुए, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइट जो है वो ये कहाँ से इवॉल्व हुए, याद रखना है हमारे पास ग्रीन एल्जी से। अच्छा, यहाँ देखिए ये इनका सिंपल सी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर राइजॉइड्स होते हैं, उसके बाद ये लीव्स स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये याद रखिए क्या लिखा हुआ है, गैमेटोफाइट। ये वाला जो पोर्शन होता है ये गैमेटोफाइट होता है, उसके बाद ये अबव रीजन होता है ये वाला, ठीक है, ये सिटी, ठीक है, इसको सिटा भी कह देते हैं। अच्छा, ये जो अपर स्ट्रक्चर है ये होता है स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट है, इसमें ये एक अपर कलम यानी इसका कैप है सिंपल, और कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर एक्चुअल में स्पोर फॉर्मेशन जो है वो चल रही है, इसीलिए इसको स्पोरोफाइट जो है वो कहते हैं, और इसमें एक्चुअल में गैमेट्स बनते हैं और इस वजह से इसको गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं। ये होता किस तरह से है मैं इसको आगे देखते हैं। ये इसका सिंपल सा स्केच है जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये है प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, ठीक। अब इसके अंदर आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया होगा, समझा नहीं क्या होगा, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया क्या है याद रखना, आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इन आप कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक हो गया। इसी तरह एंथ्रीडिया मेल स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है आर्चिगोनियम फीमेल है, ठीक है, तो हमारे पास जो आर्चिगोनियम फीमेल है तो ये एग प्रोड्यूस करेगी, दैट विल बी हैप्लॉइड, और जो एंथ्रीडियम है इट विल प्रोड्यूस स्पर्म, ये क्या होगा सिंपली। अच्छा, अब एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है, आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड है, एग और स्पर्म की फॉर्मेशन से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में फर्दर क्या होगी, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस जो है डिवाइड करके स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाती है, उससे स्पोरोसाइट बनते हैं, मियोसिस के थ्रू वो फिर स्पोर्स बनाते हैं, यानी स्पोरोसाइट। अब ये देख ले, ये है डिप्लॉइड, स्पोर्स हैप्लॉइड है, तो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, तो हमने कहा स्टार्ट में पढ़ा था स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड होगा, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा,
स्पोरोसाइट डिप्लॉइड होंगे, स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, आर्चिगोनिया हैप्लॉइड है, एंथ्रीडिया हैप्लॉइड है, स्पर्म एंड एग हैप्लॉइड है, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये एक सिंपल स्लाइड स्ट्रक्चर दिया हुआ है मोस्ट प्लांट का, ब्रायोफाइट्स के अंदर एग्जांपल में जो हमने सारा पढ़ा है। अब इसके अंदर ये एक प्लांट शो किया हुआ है, ये वही इसका स्ट्रक्चर है, ये देखो जरा जो अभी हमने देखा है, राइजाइड है, गैमेटोफाइट है, ठीक है, पेरेंट गैमेटोफाइट है, उसके बाद सीटा है, उसके बाद ये कैप्सूल। अब होगा क्या कि इस कैप्सूल के अंदर हमारे पास जो है क्या होता है कि सिंपली इसकी जो स्ट्रक्चर कवरिंग है, यानी आप कह सकते हैं क्लेप्ट्रा, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब होगा क्या कि जब ये ओपन होगा तो इसमें से हमारे पास जो है वो क्या होता है, स्पोर्स रिलीज्ड अपर कलम, यानी ये अपर कलम, ये इसको इस तरह से आप समझे कि ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर है और इसको भी ये कैप है, ये कैप रिमूव हो जाएगी, ठीक है, पीछे हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर रह जाता है जिसके अंदर जो है वो इस तरह से स्पोर्स है वो निकलते हैं, ये कैप्सूल है, इसके अंदर फिर स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं और सिंगल स्पोर याद रखना ग्रो करके इस तरह से इनलार्ज क्या कर सकता है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा, ये जर्मिनेटिंग स्पोर है। प्रोटोनीमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो पूछी जाती है, याद रखना है कि प्रोटोनीमा हमारे पास स्पोर से जो डिवेल्प हुआ हुआ और जो जर्मिनेटिंग स्पोर है। अब ये जो जर्मिनेटिंग स्पोर है ये दो तरह के स्ट्रक्चर में डिवेल्प होता है, एक फीमेल और मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल, इसके अंदर अब फीमेल में आर्चिगोनियम ये मौजूद है और मेल में एंथ्रीडियम मौजूद है। अब मेल से एंथीरोजाइट प्रोड्यूस होते हैं, एंथीरोजाइट आप कह लो स्पर्म जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एंथीरोजाइट भी क्या होंगे जो हैप्लॉइड होंगे। इसी तरह जो आर्चिगोनियम है ये एग प्रोड्यूस करेगी, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, यानी यहां से स्पोर आएगा, यहां भी फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद ये जायगोट बना, जायगोट हमारे पास डेवलपिंग स्पोरोफाइट इन आर्चिगोनियम, ये हमारे पास डेवलप हो रहा होता है इसी के अंदर ही, ठीक है, जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर आर्चिगोनियम के अंदर डेवलपमेंट चलती है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास के ये डेवलपमेंट चलती रहेगी और कैप्सूल हमारे पास ये एक्चुअल में बन रहा होता है, तो उस ये जो कैप्सूल है ये एक्चुअल में इसी तरह ही है, यानी क्या होगा कि इस रीजन के अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बनते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इसी रीजन से हमारे पास जो है वो क्या होगा, यानी मैं अगर यहाँ पर बताऊँ ना आपको आसान अल्फाज में, तो ये देखिए जरा क्या हुआ, यहाँ से इधर आया स्पोर, स्पर्म कह लो, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या बन गया इस तरह से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सिंपल आप कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल है किसका, आप कह लो कि मोस्ट प्लांट, ठीक है। और ये फिर कैप्सूल जो है ये क्या करेगा फर्दर, ये डिवेल्प करेगा, ठीक है, यानी इसमें देखने बनता तो यहाँ पे हमारे पास ये फीमेल है, ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ आए यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करेगा इस तरह से सीटा बनाएगा, देन इसके ऊपर जो कैप्सूल बना देगा, ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर आपको याद हो हमने पीछे जो स्केच पढ़ा था, ठीक है, स्केच के अंदर जो है वो हमने देखा था यहाँ पे कि जो हमारे पास सीडलेस है, अभी हमने ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर ही आपने एग्जांपल याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो लिवर वर्ड्स हो गया, हॉर्न वर्ड्स हो गया और मोसिस हो गया, ये मोस का हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था। सीडलेस के अंदर, ठीक है, जो स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है, इसमें ये हमने चार एग्जाम्पल पढ़ी है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फीरोप्सिडा, हॉर्सटेल या फिर टेरोप्सिडा। अब ये चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी चारों का जो लाइफ साइकिल है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं एडियंटम का, ठीक है, ये नॉर्मली तो टेरोप्सिडा के अंदर आता है, ठीक है, बट रिप्रेजेंटेशन होती है विस्क फर्न जो है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सीडलेस जो प्लांट्स हैं उनका लाइफ साइकिल हम देखते हैं। अब वो किस तरह से होता है ये यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है एडियंटम। एडियंटम जो है ये सिंपल आप कह सकते हैं कि बिलोंग करता है सीडलेस प्लांट से, ठीक हो गया, सीडलेस प्लांट से, और हमारे पास सीडलेस प्लांट से बिलोंग करता है इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ आप कह सकते हैं कि टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। ये देखिए इसका लाइफ साइकिल है, बुक की डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि ये
ये वही, ये देखिएगा जरा, ये मेरे पास है ठीक है, तो ये वही प्लांट है चलने, ठीक हो गया। अब हमारे पास इस प्लांट के अंदर क्या होगा, एक इस तरह से राइजोम होता है, राइजोम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है, राइजोम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये स्टेम के ऊपर जो है वो इस तरह से ग्रो किए हुए हैं, ये पेन्यूल्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो इनके लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद रेशीज होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो स्टेम है उसका, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे जो शो किया हुआ है एडवेंटिशियस रूट्स में वो मौजूद होती है राइजोम के ऊपर, और ये स्पोरोफाइट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक हो गया। तो ये यंग हमारे पास लीव जो है वो सीधे ग्रो कर रहा है, इसको हम फॉन्स आप कह सकते हैं, फॉन्स ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ से हमने इतने से पोर्शन को लिया, अब इसमें एक जो ये स्ट्रक्चर है ना ये वाला, इसको हम कहेंगे सोरस, ज्यादा होंगे तो सुराई, एक होगा तो सोरस, ठीक है, ज्यादा होंगे सुराई। इसी तरह इसके अंदर जो है हमारे पास डेक्टमस वेनेशन होती है, ठीक हो गया, और उसके बाद इसी के अंदर इसकी लोअर जगह यहाँ पे, यानी अगर मैं इसका लीव बनाऊ ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से क्या होता है लोअर सरफेस पे, ठीक है, इस सोराई की सोरस लोअर स्ट्रक्चर पे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ये अगर मैं इसको लार्ज करूं तो ये इस तरह का होगा। इसमें याद रखना है कि इस तरह का ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इसमें एक आउटर इस तरह से सेल्स की लेयर होती है, इनर सेल्स की लेयर होती है, जो आउटर होती है इन्हें हम कहते हैं एनुलस, इनर होती है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमियम। एनुलस थिन होती है, थिन होती है, ठीक हो गया, और जो इसको हम कहते हैं एनुलस थिक होगी, सॉरी, और जो स्टोमी में थिक थिन होती है, यानी जब इस कैप्सूल ने स्पोर्स रिलीज करने होते हैं, ठीक है, तो इसने इस रीजन से जो है क्या करना था, बर्स्ट करना होता है, जिससे स्पोर्स जो फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ से ये स्टोमियम का रीजन है, आप सेंट्रीडस में पूछ सकते हैं कि जी इन एडिएंटम जो है वो जो जहां से स्पोरेंजियम बर्स्टिंग रीजन है वो कौन सा है, तो याद रखना है स्टोमियम है। आउटर रीजन जो है जो कि इन्फ्लुएटेड सेल से मिलकर बना होता है वो कौन सा है, वो हमारे पास एनुलस है, स्ट्रोमियम कंस्ट्रक्टेड यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर सेल्स मौजूद होती है। अब याद रखना कि यहाँ से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, व्हेन इट विल बर्स्ट, मियोसिस होगी, स्पोर जो है याद रखना, अब सुना, स्पोर जैसे ही सॉइल पे फॉल करेगा तो ये उसके ऊपर हार्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कर देता है, दैट हार्ट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोथैलस, ठीक है, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोथैलस, ठीक। इस जब ये अब अंदाजा करेंगे एक स्पोर से बना है, अब इसके ऊपर ऊपर क्या होता है, अपर रीजन के ऊपर आर्चिगोनियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, लोअर रीजन के अंदर जो है वो क्या होता है आप कह सकते हैं इंथ्रीडियम, ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं इंथ्रीडियम स्पोर। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोथैलस होता है ना ये गमीटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है पूरा का पूरा, ये जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर ये हैप्लॉइड है, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक है, बड़ी मजे की चीज ये फोटोसिंथेटिक है, यानी ये अपनी फूड जो है ना वो खुद बना रहा होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि आर्चिगोनियम उसके ऊपर बनता है, एंथ्रीडियम उसके ऊपर बनता है। जाहिर है ये अगर खुद हैप्लॉइड है प्रोथैलस, उसके ऊपर हैप्लॉइड आर्चिगोनियम, हैप्लॉइड एंथ्रीडियम बनेंगे, उससे क्या होगा एग और हमारे पास जो है वो बनता है, स्पर्म बनता है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के अंदर ये। अच्छा, एक और चीज याद रखनी कि एंथ्रीडियम लोअर साइड पे है और आर्चिगोनियम अपर रीजन में होता है हार्ट के, प्रोथैलस के। अब ये जो स्पर्म बनाएगा और इसी तरह ये एग है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट मेनली इसी के ऊपर, गौर से देखना जरा, यहाँ से स्पर्म निकलेगा, यहाँ जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, इसी के ऊपर जो है वो ये बनेगा आप कह सकते हैं जाइगोट, इसी के ऊपर ही बनेगा हमारे पास एम्ब्रियो, और ये जब ये नीचे देखो ये आपको हार्ट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक दिस, तो सिंपल सेम वही स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर यहाँ से इस तरह से प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ये एक्चुअल में ये शो किया है, ये हार्ट लाइक स्ट्रक्चर था, इससे प्रोथैलस था, और यहाँ से स्पर्म आके फ्यूज किए, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और उसने फर्दर जो है क्या बना दिया, बना दिया। ये इस तरह से फिर क्या होता है स्ट्रक्चर जो है वो मेटल बनता है। आपको पूछ सकते हैं किस रीजन से प्लांट निकलता है, एपिकल नॉच से प्लांट जो है वो निकलता है, ठीक। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म पे। अब जिम्नोस्पर्म हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमने स्केच पढ़ा, अनडिफरेंशिएटेड इसको हमने यहाँ तक ही देखना है, इसके अलावा हमने इसको नहीं पढ़ना। ब्रायोफाइट्स में हमने जनरल फीचर्स पढ़े, ठीक है,
आपको एक आइडिया हो गया, यही हमने करना है। सीडलेस के अंदर हमने एडियंटम का लाइफ साइकिल था वो हमने देखा। ट्रेकियोफाइट्स अब हम मूव करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर सॉरी जो सीडेड प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, एक नॉन सीडलेस थे, नॉन सीडेड थे, और सीडेड प्लांट जो है वो ये दो तरह के, कवर्ड नेकेड। इसमें हम पहले जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे, फिर एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे, ठीक है, और वो हमारे पास आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, याद रख लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे यहां से, तो जिम्नोनेकेड स्पर्म सीड आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इनकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इनके आगे हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का डिफरेंस भी क्लियर देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लांट्स की, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे, आप लोगों ने पाइनस का प्लांट देखा होगा, ठीक है, ये कॉन्स जो है वो इनके अंदर जो मैक्सिमम जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह इनके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है और मेल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, समझ आएगी इस बात की। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे फिल्हाल, ठीक है। इसके अंदर दो टर्म्स में बल्कि अभी बता देता हूं, एक हम देखेंगे माइक्रोस्पोर, ठीक, और एक हम देखेंगे सिंपली आप कह सकते हैं मेगा स्पोर। अच्छा, जो माइक्रोस्पोर हमारे पास होता है और मेगा जब स्पोर होता है, ये क्या है, जो माइक्रोस्पोर है ये आप कह सकते हैं कि मेल जो है जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, मौजूद होता है, यानी जो मेल स्ट्रक्चर वो हम उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, ठीक है। और जो मेगास्पोर स्पोर है, ठीक है, मेगास्पोर ये बनते हैं हमारे पास इससे मेगास्पोरेंजिया से। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है हमने माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स की बात कर रहे थे, माइक्रोस्पोर्स हमने कहा कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मेगास्पोरेंजियम। पीछे हमने जो पढ़े है ना, याद रखना यहाँ पे, ये इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस कर रहा था एग, उसको हमने क्या नाम दिया था, आर्चिगोनिया। जो मेल कर रहा था उसको हमने नाम दिया था एंथ्रेडियम। यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो नाम होगा, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम, ठीक हो गया, जबकि जो मेल होगा, मैं लिख देता हूं फीमेल एंड मेल, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसे हम कह देंगे फीमेल। मेल सिंपल आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेगास्पोरेंजियम कह देगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें एक और हमारे पास जो है एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक क्या होती है, हमारे पास जो सेक्स हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये डिफरेंट आप कह सकते हैं होते हैं, जिस तरह हमने यहां पे कह दिया, ठीक है, सेक्स ऑर्गन ही डिफरेंट होंगे, यानी मेल कोन और फीमेल कोन जो है वो क्या होती है, वो अलग होती है, ये याद रखना है। मेल फीमेल कोन लार्जर होती है और मेल कोन जो है वो हमारे पास स्मॉलर इन साइज होती है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास फीमेल कोन है और ये हमारे पास मेल कोन है। अच्छा, अब इसमें हम लाइफ साइकिल को देखते हैं और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको कवर करते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हम बात करते हैं ये लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस हमारे पास प्लांट है, ठीक है, पाइनस हमारे पास एक्चुअल में कॉनिफर या कॉनिफर प्लांट्स होते हैं, और जो ये प्लांट बॉडी होती है इसकी, ये आप हमने पहले भी पढ़ लिया था कि डिप्लॉइड होती है और स्पोरोफाइट जो है हमारे पास होगी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा इसी के ऊपर मेल और फीमेल कोन लगती है, ये हमारे पास कोन है, ठीक है, यहाँ पे जो कोन शो की हुई है इन्होंने इस रीजन के ऊपर, ये वाली कोन, और इसी तरह यहाँ पे एक स्मॉलर सी कोन है, ठीक, ये जो हमारे पास कोन है ये मेल कोन है जो कि पोलन बीरिंग कोन होती है, ये हमारे पास ओविलेटेड कोन हमारे पास है। इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें इस तरह से जो नजर आ रहा था, एक्चुअल में इस तरह से होता है, इस तरह से इसके यहाँ मिड के अंदर ना, यहाँ पे एक्चुअल में साइड्स जो है वो बनी होती है, जगह बनी होती है जिसके अंदर जो है वो
आप कह सकते हैं कि बनना होता है, आप कह सकते हैं एग नहीं बनना होता है। अब हमारे पास क्या होगा कि यहां से इसका क्रॉस सेक्शन देखा, इसके क्रॉस सेक्शन में एक थोड़ा सा पोर्शन लिया, छोटा सा पोर्शन लिया, उसको इनलार्ज किया, तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल इसका हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का, इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के रिजल्ट में टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। आपको पता है कि एक सेल अगर होता है तो माइटोसिस, मियोसिस होती है, मियोसिस के रिजल्ट में चार जो है वो हैप्लॉइड बनेंगे। अभी हैप्लॉइड हमारे पास है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि पोलन रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ से पोलन रिलीज हुआ, ठीक। दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इस फीमेल कोन में वो जो रीजन होता है, वो जो जगह होती है ये वाली, इसके अंदर क्या होता है मेगास्पोरेंजियम होता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है सॉरी मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है हमारे पास क्या बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, उसमें फिर मियोसिस होती है और बनता है मेगास्पोर्स, ठीक है। मेगास्पोर हमारे पास फर्दर कन्वर्ट होता है एग के अंदर जो कि हैप्लॉइड होता है, उसके बाद क्या होगा इधर से पोलन आ रहा है, इधर से एग हमारे पास आ रहा है, इनके आपस में पोलिनेशन के रिजल्ट में फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 15 मंथ्स आफ्टर पोलिनेशन हमारे पास जो है वो ये होगा, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर यानी इसी कोन के ऊपर आप कह लो कि आप कह सकते हैं कि जो सीड जो है वो हमारे पास बनता है, ठीक है, कोन के अंदर, और वो जो होता है नॉर्मली विंग्ड होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा मेच्योर सीड कोन सेकेंड ईयर में जो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो विंग सीड होता है ये ग्रो करेगा सीडलिंग्स में, और उसके बाद फर्दर जो है हमारे पास स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपने जनरली याद रखना है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक साथ साथ बात बताता रहता हूँ कि प्लांट्स के अंदर कोई मेजर क्वेश्चंस जो है वो नहीं आते होते हैं, ठीक है। यानी बहुत कोई हाई फाई क्वेश्चंस इस तरह से वो नहीं पूछता, जनरली क्वेश्चंस पूछता होता है ये जो जनरल, इसीलिए हम लेक्चर्स को बहुत ज्यादा जनरलाइज करके जो वो देख रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को आपने पढ़ना है, इन्हीं चीजों को याद रखना है, ताकि जब आप लोग उसमें बैठेंगे एंटी टेस्ट में तो इंशाल्लाह आप लोगों को यही एमसीक्यू जो है वो जो हमने डिस्कस कर लिए हैं यही सारे होंगे। इस तरह से प्लांट का आपका सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये सेम वही स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे जो है वो डायग्रामेटिकली शो किया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पाइनस ट्री है जो डिप्लॉइड होता है, फीमेल कोन मेगा स्पोरोफिल बनती है जो कि मेगा स्पोरेंजियम बनाती है, मेगा स्पोर बनाती है। अगर आप लोग याद करें कि ये वाली डायग्राम कहाँ से है, सोचे जरा, ये एक्चुअल में डायग्राम सेकेंड ईयर का जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसके अंदर से जो लिया हुआ है, तो रिप्रोडक्शन में जो है उन्होंने इसको शो किया हुआ है, यानी प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेगास्पोर है मदर सेल, उसके बाद उसमें मियोसिस हुई थी, मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के अंदर था, इधर से मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल थी, फिर हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, फिर मियोसिस हुई, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर्स, आप कह सकते हैं मियोसिस के बाद जो है मदर सेल्स, और यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हैप्लॉइड आता है क्योंकि मियोसिस हो गई है, तो मियोसिस के बाद हैप्लॉइड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इधर से मेगास्पोर है, इधर से हमारे पास माइक्रोस्पोर है, ये आपस में फ्यूज करेंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे होना चाहिए माइक्रोस्पोर सिंपल, ठीक है। पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन के रिजल्ट में फर्टिलाइजेशन होगी, फीमेल प्रोथेलस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, फिर उससे बाद जो है वो आर्चिगोनियम ओस्फेयर हमारे पास, ये आगे जो है वो फर्दर फर्टिलाइज करके जाइगोट और देन फर्दर हमारे पास बना देता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वेस्टिजियल मेल प्रोथेलस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन हमारे पास भी इसके अंदर होती है, ठीक है, जिसके अंदर एंथ्रीडियल सेल्स हमारे पास बनते हैं, मेल गैमेटिक जो है वो आप कह सकते हैं न्यूक्लियस हमारे पास बनता है, और फाइनली पोलन ट्यूब, और उसके बाद सेम हमारे पास जो वो रिजल्ट में आ जाता है, ठीक है। मेन इसमें जो आपने याद रखना है वो इससे ये वाले जो रीजन है जो ये याद रखोगे। आगे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म आ रहे हैं। एंजियोस्पर्म हमने देख लिया, यहाँ पे मैं दोबारा आपको स्केच दिखाता हूँ, ये देखें जरा। सीडेड प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म्स को हमने देखा, एंजियोस्पर्म को हम देख रहे हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर हमारे पास मोनोकॉट और डाइकॉट आएंगे, तो एंजियोस्पर्म को पहले देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर का लाइफ स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है हमारे पास कि इसमें जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ये एक मेन जो थिक रीजन होता है इसको हम रेसिपिटिकल कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फीमेल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम जो है वो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसमें एक अपर पोर्शन स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ओवरी होती है, ठीक हो गया। ये एक तो आपने जो है एक चीज जो है वो याद रख ली है, इस ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है ना
पूरा का जो स्ट्रक्चर है जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी आ जाता है, इसको हम कलेक्टिवली हम कहते हैं कार्पल। ठीक हो गया, ये आपने जो याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि कार्पल के अंदर कौन सी चीजें हैं, तो कार्पल में तीन चीजें आती हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और इसी तरह अगर आपसे पूछ लेते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कौन सा होता है, तो ये फ्लावरी होगा। उसके बाद ये सेपल्स है हमारे पास, ये पेटल्स आ जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये आपको जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास अपर रीजन हमारे पास क्या होगा, आप कह सकते हैं कि एंथर हमारे पास होता है। ठीक हो गया, और इसी तरह जो लोअर आपका रीजन होता है, ठीक है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसको हम कह देते हैं फिलामेंट। ठीक हो गया, तो ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम कह देते हैं स्टेमन। ठीक है, तो ये स्टेमन एंड कार्पल दो क्या है, फ्लावर के मेजर पोर्शन है, उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक, इसी तरह जो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है ये मेल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहेंगे स्टेमन। स्टेमन दो हिस्सों पर डिवाइडेड है, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये पूछ सकते हैं कि एंथर इज अ पार्ट ऑफ फिलामेंट इज अ पार्ट ऑफ, स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ, स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ, ओवरी इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कार्पल का कौन सा रीजन है और स्टेमन का कौन सा रीजन है। फिर इसके अंदर जो है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट ऑब्वियसली हमारे पास ये सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। और एक और इसका क्या है कि एनजीओ हम कह देते हैं क्लोज और स्पर्म हम कह देंगे सीड, यानी इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो क्लोज्ड हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक और बड़ा इसमें पॉइंट है कि हम जो स्टार्ट में पढ़ के आए हैं कि 360,000 टोटल प्लांट स्पीशीज है, इनमें 235,000 हमारे पास जो है वो एंजियोस्पर्म जो है वो होते हैं, याद रखना है। यानी आप ये कह सकते हैं अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मोस्ट जो आप कह सकते हैं अबंडेंट फॉर्म है इसकी आप कह लो के स्ट्रक्चर की, ठीक है, प्लांट्स टाइप्स की, तो वो हमारे पास वो एंजियोस्पर्म होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं यहाँ पे बताता जाता हूँ ताकि आपकी वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, हमारे पास याद रखना है कि जो स्पोरोफाइट होता है ना, स्पोरोफाइट में दो पार्ट होते हैं हमारे पास एक्चुअल में। एक होता है जिसको हम वेजिटेटिव कहते हैं, जो भी पीछे स्केच में भी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट। और दूसरा हमारे पास क्या होता है जिसे हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, अच्छा, वेजिटेटिव जो पार्ट होता है हमारे पास उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं, इसी तरह स्टेम है और लीव्स हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जो हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको पता है क्या चीज आती है, फ्लावर्स। ठीक, अब फ्लावर के अंदर, ठीक है, फ्लावर के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है सिंपल, आप कह सकते हैं एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव, कह लें इसको वेजिटेटिव रीजन भी कह सकते हैं। अच्छा, जो है ना रिप्रोडक्टिव, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स आएंगे जो अभी हमने पढ़े हैं, एक कार्पल दूसरा स्टेमन। ठीक, कार्पल के अंदर हमने फर्दर हमने कहा कि जी इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी है। स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट होता है। इसको आगे एक्सटेंड करें तो और भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, बट हम इसको फिलहाल जो है वो यहां तक ही रखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ये हमारे पास ये स्टिग्मा, उसके बाद ये स्टाइल, उसके बाद ये ओवरी, और स्टेमन के अंदर ये उसका एंथर और ये उसका फिलामेंट। ठीक है, ये एंथर है हमारे पास और ये फिलामेंट है। क्लियर हो गया। नॉन एसेंशियल में हमारे पास कौन सा पार्ट आता है फ्लावर का, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में आप कह सकते हैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, वो हमारे पास आएगा
सेपल और पेटल्स होती हैं, ठीक है। ये स्केच जो है वो आपने याद रख लेना है, एक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अच्छा अब आगे मूव करते हैं, तो एक चीज याद रख लेना कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट जो हमने बात की, इसके अंदर जो है ये जो फीमेल पार्ट है इसको हमने कह दिया मेगा स्पोरेंजियम ओवरऑल। अब ये इसके अंदर जो है वो मेगा स्पोरोसाइट पड़ा हुआ है। ये ओवरऑल ये कवरिंग है इसकी, इसको हम कहेंगे ओव्यूल, ठीक। और ये कंप्लीट क्या है, ओवरी। अच्छा ओवरी और ओव्यूल में डिफरेंस याद रखना है, ओवरी ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरोसाइट होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर मेगा स्पोरोसाइट मौजूद होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। उसके बाद ये फिलामेंट आ गया, इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि इस तरह से रीजन होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स जो हमारे पास बनने होते हैं। अब क्या होता है जरा देखिएगा, यहाँ पे इसको गौर से देखिएगा, अगर हम इस पोर्शन को लें तो इसमें क्या होती है, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद आपको बताएंगे एक डिप्लॉइड सेल था, उससे हैप्लॉइड सेल बनते हैं और वो वायबल मेगास्पोर्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें फर्दर माइटोसिस होती है, यानी एक सेल था उससे चार बने, फिर उसमें माइटोसिस हुई तो आठ बन जाएंगे। वो आठ को नाम दिया जाता है, ये देखिएगा जरा गौर से, मैं पहले इसको यहां बताता हूँ आपको पता चल जाएगा। ये लोअर रीजन में बनते हैं, ठीक। उसके बाद तीन अपर रीजन में मौजूद होते हैं, दो सेंटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, और एक इस रीजन के अंदर वो मौजूद होता है। ये अपर वाले होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल, ठीक है, न्यूक्लियाई कह लो या सेल्स कह लो। इसी तरह ये जो ये वाले दो कट्ठे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिंपली पोलर न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। ये टू हमारे पास होते हैं, दो होंगे। उसके बाद ये होता है एग, ठीक है, सेंट्रल एग कह सकते हैं, और ये होते हैं हमारे पास साइनर्जिड्स, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो ये डायग्राम में भी सेम वही बताया हुआ है कि ये एंटीपोडल है, ठीक है, ये ओवरऑल सैक है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर जो है वो एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियाई साइनर्जिड जो है वो पड़े होते हैं। दूसरी तरफ से यहां से हमारे पास माइक्रोस्पोर है, इसमें क्या होगा, ये डिप्लॉइड होता है पहले, तो हैप्लॉइड होगा, तो चार हमारे पास जो है वो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब उसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिंगल स्पोर है, ठीक है, जो सिंगल स्पोर हमारे पास बनता है, इसका भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पॉइंट आता है, ठीक है, मैं उसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे इसको। जो सिंगल माइक्रोस्पोर होता है ना, उसमें होती है माइटोसिस, यानी ये चार बने तो इसमें एक जो था ना, इसमें भी माइटोसिस। माइटोसिस के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है दो सेल्स के अंदर, दो न्यूक्लिया के अंदर, एक हमारे पास आप कह सकते हैं कि होता है जिसको आप कह सकते हैं पोलन ग्रेन। ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, पोलन ग्रेन। अब जो पोलन ग्रेन होता है, याद रखना है इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होगा कि इसको मैं अगर साइड पे बनाऊं तो इसमें इस तरह से होगा स्ट्रक्चर के हमारे पास, ये एक बना था यहाँ से, ठीक है, ये वाला माइक्रोस्पोर, ठीक है, मैं देता हूँ सिंगल माइक्रोस्पोर जो है ये फर्दर डिवेल्प होता है, ठीक है, माइटोटिकली, और माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद जो है ये दो तरह के आप कह सकते रीजन में डिवाइड हो जाते हैं इस तरह से। एक इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है उसे हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई, और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियाई है, ये फर्दर आप कह सकते हैं कि डिवेलपमेंट होती है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फर्दर डिवेल्प होता है, और डिवेल्प होने के बाद आप कह सकते हैं कि इस तरह से ना एक इसमें ग्रो करना होता है, इसकी ग्रोइंग रीजन होता है, स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये ग्रो करता है, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो ट्यूब न्यूक्लियाई था, ठीक है, ये वाला जो ट्यूब न्यूक्लियाई था ये यहाँ पे मौजूद होता है और ये ग्रो करने में असिस्ट कर रहा होता है। और जो जनरेटिव न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं ये डिवाइड करके जो है वो आप कह सकते हैं दो स्पर्म जो है वो हमारे पास बना देते हैं, ठीक है, क्या बना देंगे, दो स्पर्म जो हमारे पास बना देंगे इस तरह से। ये दो स्पर्म्स हमारे पास हैं, स्पर्म न्यूक्लियाई इसको कह देंगे, और ये हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। अगर इसको देखूं मैं यहाँ पे,
तो ये एक्चुअल में ये हो रहा है, ओरिजन है, यानी पोलन जब इस पे फॉल करेगा ना, ये ग्रो करेगा, जिसमें जनरेटिव न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करके दो न्यूक्लियस, दो स्पर्म न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, दो बनाता है, ठीक है, माइटोटिकली, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये डिवाइड नहीं करेगी, ये आगे हमारे पास जो है वो यहाँ पे मूव करता रहेगा, और इस तरह से मूव करते करते ये उस रीजन से जो है आप कह सकते हैं जो ओव्यूल होता है, ओवरी होती है, ओवरी में, ओव्यूल में क्या हो जाता है, एंटर हो जाती है ट्यूब, ठीक है, ट्यूब जैसे ही एंटर होती है, अब दो स्पर्म थे ना, ठीक है, यहाँ पे दो स्पर्म है, पहला स्पर्म जाके ये जो सेंटर वाले होते हैं ना पोलर न्यूक्लियस इनके साथ फ्यूज करते हैं, और एक जो फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ, तो वन स्पर्म फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस कितने थे, दो थे, तो ये क्या होगा, ये वन एन, ये एन प्लस एन, यानी एन एन कह लें इसको, ये टोटल करेंगे तो ये थ्री एन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, और एक स्पर्म जो है ये जाके एग के साथ फ्यूज करता है और ये बना देता है जाइगोट, ठीक है, ये देखो जरा, ये एंडोस्पर्म बना रहा है, ये जाइगोट बना है इस रीजन के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि फर्दर डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट किस तरह से होती है कि ये एक हमारे पास कंप्लीट सीड बन जाता है, अब ये सीड है जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट को हम कहते हैं राइपन ओवरी, ठीक हो गया, और उसके बाद ये जो ओव्यूल था, ये वाला जो, ठीक है, ओव्यूल था, ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि सिंपली कवर हो जाता है उसके अंदर, उसकी जो सिंपली स्ट्रक्चर है, यानी अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो ये फ्रूट हमने कह दिया राइपन ओवरी है, ये इसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो होता है, और जो है ये ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, सीड होगा, ठीक है, और ये फ्रूट है, ठीक है, और जब इसको फॉल करेंगे, ये कंप्लीट ओवरी थी ना, तो ये एक्चुअल में ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होगी है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास सीड है, अगर हम उसको सो करेंगे, उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास ये सीडलिंग में ग्रो करेगा और फाइनली जो है वो प्लांट, यानी अपने स्पोरोफाइट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें गेमेटोफाइट क्या है हमारे पास, याद रखना, ये जो पॉलन ग्रेन स्पर्म का, ये यहाँ से इस तरफ, ये वाली गेमेटोफिटिक जनरेशन है और ये कहला स्पोरोफिटिक जनरेशन है, ठीक है, और ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि ये हैप्लॉइड है, ये हमारे पास डिप्लॉइड है। तो इससे रिलेटेड जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो आपको पूछे जा सकते हैं, सिनर्जिड्स कितने होते हैं, पोलर जो हमारे पास है न्यूक्लियस वो कितने होते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म 2n है, 3n है। अच्छा, एंडोस्पर्म जो होता है, ये आप एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देता हूँ, एंडोस्पर्म 3n तो होता ही है, ठीक है, 3n है, ये फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है, फूड स्टोरिंग, ठीक है, फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं एंडोस्पर्म जो है वो बना, आप कह सकते बना रहा होता है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये सेम स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, इसकी यहाँ पे सिंपली वर्ड के थ्रू हमने इसको देखा है, ठीक है, इसके अंदर वो हमारे पास क्या कह रहा है जी कि अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है नॉर्मली यहाँ से, इस रीजन से इसको देखेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स है जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है जो रूट हमने पढ़ा था, स्टेम पढ़ा था और लीव्स के थ्रू पॉसिबल है। अच्छा, फ्लावरिंग फ्लावर्स जो है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, और सिंगल सेक्स्ड होते हैं, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जिस तरह भी हमने यहाँ पे देखा ना ये वाला, तो ये प्लांट इसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पे है, तो इसे हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, तो इसका मतलब है फ्लावरिंग प्लांट जो मैक्सिमम हर्माफ्रोडाइट होंगे। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे, पीछे हमने पढ़ा था वो हेट्रोगेमेटिक, ठीक है, हेट्रोस्ट्रक्चर था। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हमने पढ़ा मेगा माइक्रोस्पोरोफिल बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फिर मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल ग्रेन पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह साइड बाय साइड जो है वो हमारे पास कार्पल के अंदर मेगा स्पोरोफिल जो है वो मौजूद है, ठीक है, यानी मेगा स्पोरोफिल वो मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल में कन्वर्ट होता है, फिर मेगा स्पोर मदर सेल बनता है, फिर मियोसिस होती है, और उसमें हमारे पास जो है वो बना देना होता है, आप सिंपल कह सकते हैं कि मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक में होगा और माइक्रोस्पोर होगा पोलन ग्रेन के अंदर, वो फॉल करेगा, पॉलिनेशन होगी, ठीक है, पॉलिनेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि वेस्टिजियल मेल प्रोथेलस हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन, टू मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई बनते हैं, ये हमने पढ़ ली है कि पोलन ट्यूब जब फॉल करती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक जाइगोट बनता था और एक ट्रिपल फ्यूज जो है वो 3N जो स्ट्रक्चर बनता है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है, दो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इसको हम कहेंगे, जिसके अंदर जो है वो एक एग होता है, तीन एंटीपोडल सेल्स होते हैं, टू सिनर्जिड्स होते हैं और टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है,
तो ये वेस्टिजियल फीमेल प्रोथेलस की वो बात कर रहा है, यहाँ पे मेल प्रोथेलस क्या होगा, पोलन ट्यूब होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्लावरिंग का, ये आपने जो याद रखना है। उसके बाद ये डिफरेंस क्लियर किया मैंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग है, ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, इनक्लोज सीड एक्सपोज सीड होते हैं, पोजेस ओवरीज विद फ्लावर्स दैट कैन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। इसमें क्या है, पोजेस कोन्स स्केल्स नीड्स वगैरह, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी हैबिटेट, सॉफ्ट वुड ट्रीज आर शर्ब्स लाइक जनिपर पाइन है फिग वगैरह, ये हमारे पास आ जाते हैं। और सिमिलरिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये सीड बीरिंग होते हैं, किंगडम प्लांट से बिलोंग करते हैं, वेस्कुलर होते हैं। ठीक, तो ये इसमें जो है वो आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद लास्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज है। फैमिलीज में आपने जो चीज याद रखनी है वो हमारे पास, एक तो फैमिलीज के नाम याद रख लें कि टोटल कितनी फैमिलीज है। ठीक है, प्लांट की प्लांटिंग चैप्टर के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरी चीज हमने याद रखनी है, जो पढ़नी है हमने अभी, ठीक है, वो हमने पढ़नी है इनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल रोजेसी हमारे पास है, यानी उसकी छह फैमिलीज है, मैं बता देता हूँ। रोजेसी है, रोज फैमिली है, फेबिएसी पी फैमिली इसको हम कह देते हैं, माइमोसा। ठीक है, एकेसिया हमारे पास फैमिली आ जाता है, सोलिनेसी है जिसमें पोटैटो आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कैसलपेनेसी है, कैसिया फैमिली आ जाएगी, और पोएसी हमारे पास ग्रास फैमिली जो आ जाएगा। सही है, तो ये याद रखना है आपने। ठीक, अब हम इंडिविजुअल देखते हैं इसके, जो आप कह सकते हैं जो फैमिलीज हैं इनमें कुछ कुछ एक दो एग्जांपल देखते जाते हैं और मेडिकल इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता जाता हूँ, आप लोगों ने नोट करना है और यही इसको जो है वो आपने याद रखना है। अच्छा, अगर हम रोजेसी की बात करते हैं, ठीक है रोजेसी जो हमारे पास फैमिली थी, जो रोज फैमिली हमने कही थी। अच्छा, रोज फैमिली के अंदर जो है वो क्या होता है कि याद रख लेना हमारे पास, जो एक तो आ जाता है कि जो हमारे पास इनसे ऑयल्स वगैरह स्पेशली जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इनके सीड से, नंबर वन। ठीक हो गया, और उन ऑयल्स को जो है वो आप कह सकते हैं परफ्यूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आपने नाम सुना होगा रोज वाटर। अब रोज वाटर जिसको नॉर्मली अर्के गुलाब भी कहते हैं, ठीक है, अब ये हमारे पास जो है नॉर्मली जो आईज हैं, ठीक है, आई डिजीजेस हैं उनके लिए जो वो यूज किया जाता है, यानी क्यूरिंग ऑफ आईज। ठीक है, क्यूरिंग ऑफ आईज के लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं सोलनेसी फैमिली की, ठीक हो गया, तो इसमें रोजेसी में तो सारे के सारे मैक्सिमम जो फ्लावर्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, जो सोलनेसी है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास पोटैटो जो है एक्चुअल में इससे बिलोंग करता है। ठीक है, पोटैटो, टोमेटो हो गया, ठीक है, तो टोबैको वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। अच्छा, इसकी अगर हम मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक चीज जो है वो याद रखनी है हमारे पास कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मैं सारे एमसीक्यूज लिखूंगा एनडीटीएस के जो आ चुके हैं मैं प्रीवियस सालों में जब ये सिलेबस का पार्ट था, और दूसरा इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस लिखता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल सोलनेसी के अंदर जो है वो एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं कैप्सिकम, जस्ट अ मिनट, इसको हम कहेंगे कैप्सिकम एनम। ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास है कैप्सिकम, ठीक है, फ्रूटेंसेंस। ठीक है, अब ये जो है इनके जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स जो है इनके, दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ए। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लांट हमारे पास जो है वो विटामिन सी और विटामिन ए का सोर्स है, ये आपने जो याद रखना है। ठीक हो गया, इसी तरह हमारे पास जो है इसको एक टर्म बुक में ही उन्होंने यूज की हुई है, कॉन्डिमेंट के लिए जो है वो यूज किया जाता है। नाउ व्हाट इज कॉन्डिमेंट, कॉन्डिमेंट हम जो है वो आप कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है,
ये नॉर्मली टर्म यूज करते हैं फ्लेवर्स वगैरह ऐड करने के लिए, ठीक है, फ्लेवर्स मैं कह लेता हूँ, ठीक है, तो फ्लेवर्स वगैरह ऐड करने के लिए जो इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है आ जाता है आपका सिंपल, आप कह सकते हैं कि अगर जो मेडिकल इम्पोर्टेंस में इसमें एग्जाम्पल आती है हमारे पास वो आ जाती है आपके एग्जाम्पल में जो ये क्या है एट्रोपा पैलोडीना, ठीक है, मैं इसकी एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये सोलेसी फैमिली से ही है, ठीक है, फर्स्ट वन ये आ गया, सेकेंड वन हम लिखेंगे इसको, ठीक, सेकेंड वन में हमारे पास जो आएगा वो आता है सिंपली एट्रोपा, ठीक है, बेलेडोना, ठीक, और डेट्रा, आई थिंक सो डेट्रा, ठीक है। अब ये जो है आप याद रखिएगा कि ये रिच सोर्स है किस चीज का, रिच सोर्स ऑफ, आप कह सकते हैं दो टर्म्स हैं, एक को हम कहते हैं एट्रोपाइन और दूसरी हमारे पास है डेट्राइन। अब एट्रोपाइन हमारे पास और डेट्राइन क्या, जो एट्रोपाइन हमारे पास है और डेट्रोपाइन है, ये दोनों एग्जाम्पल है किसकी, अल्कलॉइड्स की, ठीक है, अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स। अच्छा, जो एट्रोपाइन होता है याद रखना है एट्रोपाइन के मल्टी जो है वो फंक्शंस आ जाते हैं मेडिसिनल मेडिसिन्स के अंदर, ठीक है, और इसमें एक तो आप कह सकते हैं कि जो हार्ट रेट है, ठीक है, इसको यूज किया जाता है, आप कह सकते हैं स्लोअर द, स्लोइंग द हार्ट रेट, ठीक है, इसी तरह डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, ठीक है, सलाइवा प्रोडक्शन ड्यूरिंग सर्जरी आप कह लें, ठीक है, ये आपने जो है याद रख लेना है। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास डेट्राइन है, ठीक है, अब जो डेट्राइन होता है ये भी मेडिकली आप कह सकते हैं कि यूज किया जाता है, जो नॉर्मली ये जो आप कह सकते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर हो जाता है ना पेप्सिन की वजह से, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर के अंदर जो है इसको जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। बस ये बुक में नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रख लेना है कि जो एट्रोपा बेलेडोना है और डेट्रा है इससे कौन से दो अल्कलॉइड जो है वो यूज किए ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, एट्रोपाइन है और डेट्राइन है, ठीक है, और ये इसकी जो है वो आपने याद रख लेना है, नेमिंग सिंपल जो है वो याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास तो फेबिएसी फैमिली है। फेबिएसी फैमिली जो है इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो मेडिकली इम्पोर्टेंस आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकराइजा, ठीक है, ग्लाइकराइजा ग्लेब्रो, ये नॉर्मली यूज होता है कफ एंड कोल्ड के लिए, ठीक है, कफ एंड कोल्ड के लिए। इसी तरह हमारे पास एक और है क्लिटोरिया ट्रिनिटिया, ये हमारे पास नॉर्मली यूज किया जाता है स्नेक बाइट के अगेंस्ट में, ठीक है, ठीक है, ये आपने जो याद रखना है नॉर्मली हमारे पास, ठीक है, ये एक्चुअल में फेबिएसी फैमिली के अंदर से जो मेडिकली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो हमने एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा हमारे पास। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैसल्पेनिया, ठीक है, या जो कैसिया फैमिली थी, ठीक है, इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें जो एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं कैसिया एलेटा, ठीक है, इसके जो लीव्स होते हैं इसको यूज किया जाता है जो रिंग वर्म होता है ना और अदर जो स्किन डिजीजेस होती हैं उनके लिए, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो
एक और इसी से बिलोंग करता एक प्लांट है इसी फैमिली से, कैसिया सीना, ठीक है, एंड कैसिया ओबिवेटा, ठीक है। अब इसमें भी जो है वो इसके क्या किए जाते हैं, लीव्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं और उनसे ना एक ड्रग बनाई जाती है या ड्रग ऑब्टेन की जाती है जिसका नाम है सीना, ठीक है। सीना कहाँ से ऑब्टेन की जाती है हमारे पास, कैसिया सीना से। कैसिया सीना हमारे पास क्या है, प्लांट है जो के बिलोंग करता है कैसल्पिनेसी, ठीक है, और कैसिया फैमिली यानी से। और ये क्या है आप कह सकते हैं, जो लेक्सेटिव यूज की जाती है ना उसके अंदर आपको आप कह सकते हैं उसको जो है वो यूज किया जाता है उसके अंदर। इसी तरह हमारे पास एक और प्लांट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें हमारे पास आता है जिसमें कहेंगे साइनोमेट्रा, इसकी स्पेलिंग ठीक करके लिखता हूँ, साइनोमेट्रा कॉलीफ्लोरा, कॉलीफ्लोरा, ठीक है। ये जो है वो याद रख लीजिएगा कि इसके जो सीड्स होते हैं उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस ऑयल को जो है ना आप कह सकते हैं स्किन डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास माइमोसेई फैमिली है, ठीक हो गया। माइमोसेई फैमिली के अंदर हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि एक प्लांट जो के आया हुआ है एंटीडेस में भी इसका क्वेश्चन, ठीक है, एकेसिया निलो, आई थिंक सो एकेसिया निलेटिका है मे बी, ठीक है, निलेटिका, ठीक है। इसके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि ब्लड प्योरीफायर के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है वो लास्ट फैमिली रह जाती है और वो हमारे पास है पोएसी। पोएसी जो है इसमें अगर हम मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ स्पीशीज के जो लीव्स हैं, ठीक है, कुछ स्पीशीज के जो लीव्स हैं लाइक हमारे पास इसमें एग्जांपल बेम्बू ट्री है, ठीक है। वैसे तो इसके अदर बिल्डिंग आप कह सकते हैं है या बिल्डिंग इंपॉर्टेंस उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो यूज किया जाता है या बोर्ड्स वगैरह ये चीजें बनाई जाती हैं, मगर हम मेडिकली मूव कर रहे हैं तो हमें वही इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसमें जो है नॉर्मली क्या होता है कि जो लीव्स वगैरह होते हैं ना इन स्पीशीज के, ठीक है, उनको जो एनिमल के अंदर जो है ना यानी लाइक हॉर्सेस वगैरह हैं, ठीक है, हॉर्सेस में क्योर आप कह सकते हैं क्योर हॉर्सेस कफ एंड कोल्ड, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये आई थिंक सो इनफ है मेडिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से, ठीक है, यानी जो आपने जो है वो याद करनी है इसमें, यानी मेडिसिनल प्लांट्स आप क्या लोगे, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं इन फैमिलीज के अंदर, ठीक है, जो के आ जाते हैं इम्पोर्टेंस के हवाले से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, हमने इस प्लांटी वाले लेक्चर में जो है वो क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, इसमें हमने जनरल करेक्टर पढ़े हैं, ठीक है, उसके बाद हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देखा है, फिर हमने क्लासिफिकेशन पे गए तो हमने क्लासिफिकेशन देखी ये, ठीक, उसके अंदर हमने कहा जी प्लांट्स जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड डिफ्रेंशिएटेड में डिवाइडेड हैं, थैलोफाइटा होते हैं, उसके बाद फिर जो डिफ्रेंशिएटेड हैं उसमें ब्रायोफाइट्स हैं और ट्रेक्योफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स को फर्दर जो है वो थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है थ्री क्लासेस के अंदर, ट्रेक्योफाइट्स को फर्दर टू क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, सीडेड नॉन सीडेड हमारे पास या सीडलेस, इसमें भी फर्दर डिविजन है, इसमें भी फर्दर डिविजन है, ये हमने देखी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही थी वो हमने प्लांट किंगडम के अंदर जो है वो स्पोर बेरिंग और सीड बेरिंग स्ट्रक्चर को और उनकी फर्दर देखी क्लासेस को। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में, प्लांट टिश्यूज के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इस तरह से प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स की डिटेल देखी हमने, ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मोस की एग्जाम्पल ली हमने, इसी तरह एडियंटम की एग्जाम्पल ली हमने जो स्पोर फॉर्मिंग थे। जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा, उसका लाइफ साइकिल देखा पाइनस प्लांट का कॉनिफर का, इसी तरह ये उसका एक सिंपल स्केच था। फिर एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा, उसका लाइफ साइकिल देखा,
फिर उसका जनरल स्केच देखा था कि हमें वो चीज माइंड में बैठ जाए, ये वही चीज थी, यहाँ पे डायग्रामेटिकली था, यहाँ पे सिंपल स्केच था। उसके बाद डिफरेंस देखा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, फिर एंजियोस्पर्म की जो फैमिलीज थी उनके नाम प्लस उनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस देखी, रोजेसी फैमिली है, सोलिनेसी है, इसी तरह हमारे पास फेबिएसी है, कैसल पिनेसी है, ठीक है, मामोसी है और पोएसी है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा लेक्चर जो है वो प्लांटी का कंप्लीट होता है, ठीक है। यही इनफ है, आपने यही करना है, ठीक है, इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सही है, ओके, ठीक है, जज़ाकअल्लाह।